हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान से जालौर जिले में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। हालांकि पिछले सोमवार को बारिश का भय थम गया था, लेकिन आहोर और जालौर क्षेत्र में रविवार शाम तक करीब 22 इंच बारिश होने से जवाई के सहायक नदी नालों में तेज गति से पानी बहने लगा है। बाद में ये नदी नाले जवाई नदी में समाहित हो गए और पश्चिमी राजस्थान की गंगा वेग के साथ बहने लगी। जवाई नदी उफान के साथ बहने की खबर मिलते ही जालौर शहरवासी और आसपास के ग्रामीण नदी देखने के लिए लेटा और पहाड़पुरा पुलिया पर पहुंच गए। आमजन ने जवाई नदी को प्रणाम कर अभिवादन किया। गौर करने वाली बात है कि करीब 6 साल के बाद जवाई नदी में पानी आया है। वर्ष 2006 और 2017 में भारी बारिश के कारण जवाई नदी में पानी आया था और उसके बाद ये तीसरा मौका है जब इस नदी में पानी आया है। इधर जिले में निचले इलाकों में पानी का भराव भी हो गया है। प्रशासन की ओर से राहत कार्य का बखूबी संचालन किया जा रहा है। जिले में बारिश के बाद जल भराव के हालात बने हुए हैं। मूसलाधार बारिश से जिले के नदी नाले पूरे उफान पर हैं। जालौर जिले से अन्य जिलों से आवागमन अब अवरुद्ध हो गया है। सोमवार को कई रेल रद्द कर दी गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम सहित पूरा प्रशासन अमला बाढ़ बचाव राहत कार्य में जुटा हुआ है। वहीं जालौर जिला मुख्यालय की लेटा जवाई नदी में पानी पूरे उफान के साथ बहता हुआ दिखाई दे रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते जालौर शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया और वहीं जालौर शहर के सुंदेलाव तालाब में पानी की आवक होने से तालाब लबालब भरा हुआ दिखाई दे रहा है। बागरा मुद्रा रेल मार्ग पर रेल की पटरियों के नीचे से रेत खिसक जाने से पटरियां अधर झूल में झूलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि रेलवे द्वारा मरम्मत कार्य तेजी पर है। वहीं कुलथाना नदी में पानी की आवक होने से जोधपुर जालौर मार्ग भी रविवार को अवरुद्ध हो गया। जवाई नदी के पुलिये से पानी ऊपर गुजरने लगा। रविवार को इसकी वजह से आहोर मार्ग बंद रहा। जालौर जिले के सांचौर रानीवाड़ा जसवंतपुरा में शनिवार और रविवार सुबह तक मूसलाधार बारिश होने से कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई। वहीं सांचौर में बाढ़ के हालात बने हुए दिखाई दे रहे हैं। कई जगह विद्युत पोल गिरने से विद्युत आपूर्ति पूर्णतः ठप हो गई है। जालौर में तेज बारिश और तेज हवा से कई जगह पानी भर जाने से काफी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। जागरूक टीवी के लिए जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।